पार्ट वन में हमने देखा था कि ब्रिटिशर्स ने हमारे भारत को कैसे लूटा, हम पर कितना अत्याचार किया और हमें एक्सप्लॉइट किया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप विजिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रिटिशर्स ने भारत आने के बाद क्या अच्छे काम किए। सो वेलकम टू पिंकोलॉजी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लाइक और कमेंट करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। सबसे पहला, लॉ एंड ऑर्डर। आजादी के 75 साल बाद भी हम ब्रिटिशर्स के कुछ लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करते हैं, जैसे कि हमारे इंडियन पुलिस की खाकी वर्दी। उसका कलर और डिजाइन दोनों ब्रिटिशर्स ने ही स्टार्ट किया था, जो अब तक चला आ रहा है। जिस भारत देश में पति के मरने के बाद पत्नी को भी जिंदा चिता पर जला दिया जाता था, उस सती प्रथा को ब्रिटिशर्स ने ही बंद कराया। दूसरा, इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे आज एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जिससे रोज ना जाने कितने लोग सफर करते हैं। उतना ही सच ये भी है कि इसे बनाने वाले ब्रिटिशर्स ही थे, जो अपना सामान दूर पहुंचाने के लिए कोयले से चलने वाली ट्रेन का निर्माण किया था। आपको बता दें कि भारत में पहली बार ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई सेंट्रल से लेके थाने तक 34 किलोमीटर का सफर तय किया था। तीसरा, इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी नाम सुनते ही हमारे मन में देश के प्रति एक अलग सी भावना जागृत होती है, लेकिन आपको बता दें कि इसकी नींव रखने वाले भी ब्रिटिशर्स ही थे। जब ब्रिटिश हुकूमत हमारे देश में थी, तब उन्होंने ब्रिटिश और इंडियंस को मिला के एक ही सेना बनाई, जिसे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के नाम से जाना गया था। उस समय ब्रिटेन की तरफ से फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने हिस्सा भी लिया था। इस वॉर में मारे जाने वाले करीब 90,000 सोल्जर्स की याद में इंडिया गेट बनवाया गया था। चौथा, क्रिकेट। क्रिकेट भी ब्रिटिशर्स की ही देन है। आपको पता है ब्रिटिशर्स ही क्रिकेट गेम को भारत लेके आए थे। भारत में पहली बार क्रिकेट 1721 कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला गया था। पांचवा, ब्रिटिश आर्किटेक्चर। ब्रिटिश आर्किटेक्चर का अपने आप में ही एक गहरा रिश्ता है, जैसे कि एक के बिना दूसरा अधूरा। इंडिया गेट, संसद भवन, गेटवे ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भवन ने देख कर ही बोलते हैं बनाने वाले ने क्या खूब बनाया है। दिल्ली के रायसेना हिल से करीब 300 फैमिलीज को शिफ्ट करके वहाँ पर राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और इंडिया गेट बनाया गया। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें तो हम आप तक पहुँचाना चाहते थे। आपको ब्रिटिशर्स की और कौन कौन सी चीजें अच्छी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए पिंकोलॉजी एन को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक और कमेंट करें। जय हिंद।